वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमजा पीरजादा और आप देख रहे हैं पीआरजेड एडिट। आज की वीडियो में मैं आपको पिक्सआर्ट की ऑल टिप्स बताऊंगा कि आप किन किन टिप्स से अपने कलर को है वो अच्छा कर सकते हैं, एक बेहतरीन लुक दे सकते हैं अपनी स्किन का। और इसमें से मैं आपको बता दूं कि कोई सी भी थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे नहीं है, ये सारी की सारी इक्वल है। और इसमें से आप अपनी स्किन टोन को सिलेक्ट करते हुए ही अप्लाई करेंगे। सारी आप टिप्स देखिएगा और अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि किन किन टिप्स से आपके कलर जो है वो एक अच्छे लुक में आ सकता है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें डेली रेगुलर वीडियोस के लिए। तो चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो टिप नंबर वन ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपका कुछ ऐसा कलर है यानी इससे मिलता जुलता आपका स्किन कलर है, मेरी काफी ओल्ड पिक्चर है तो मैं आपको इसके लिए बता दूं, पहले आप टूल्स में जाएं, इसमें जाने के बाद आप कर्व्स में जाएं। कर्व्स में जाने के बाद यहाँ पे आप जो है ये जो लाइन है इसको आप थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी इनहेंस होगी। तो पहले मैं सिलेक्ट करने तो रेजर लिया है मैंने और क्लियर और करके मैं जो है ये स्किन सिलेक्ट करने के लिए ब्रश जो है सिर्फ अपनी स्किन पे करूंगा, क्योंकि ये मुझे सिर्फ अपनी स्किन पे करना है। तो मैं हार्ड डिस्क थोड़ी बढ़ा के और ये मैं सिर्फ अपनी पूरी स्किन के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। देखें कुछ इस तरीके से पूरे स्किन के ऊपर ये मैं ब्रश कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने इसमें पहले लिप्स अपने छोड़ दें और इसके अलावा मुझे जो है ये आईज मैंने छोड़ दिए और आईब्रोज जो है ये मैंने यहाँ पे लीव कर दिए और इसके अलावा एयर्स है वो भी मैंने इसमें छोड़ दिए। बाकी ये पूरे मैंने स्किन के ऊपर ही कर लिया है और अब उनके लिए बताता हूँ बाकी जो ऊपर की स्किन छोड़ी उसके लिए मुझे करना है कि मैंने ब्रश लिया, ब्रश की ऑपेसिटी हार्डनेस और ऑपेसिटी दोनों कम करके साइज इंक्रीज करके मैं यहाँ से करूंगा, क्योंकि ऊपर हेयर्स होते हैं हमें उसके लिए काफी केयरफुली उसको करना पड़ता है। इसी तरीके से यही चीज हमें हेयर्स पे भी करनी है अपने सेम। और ये थोड़े लिप्स मुझे ओवर लग रहे हैं तो इसके लिए भी मैं लाइटली बिल्कुल इसको यूज करूंगा हार्डनेस ओपेसिटी कम करके। तो मैं इसी तरीके से ये लिप्स के ऊपर भी अप्लाई करूंगा स्लाइटली। और अब देखें मुझे इरेज करना है थोड़ा सा जहां से, उसके लिए मैं इरेज करने के लिए पहले मैं यहां से इरेजर ले लेता हूं, जहां मैंने एक्स्ट्रा कर दिया वहां के लिए मैं इरेज करता हूं। जैसे यहां से मस्टेक्स की तरफ से और थोड़ा सा यहां से भी इरेज होना चाहिए और थोड़ा सा आइस के भी नीचे से भी, जहां से डार्किंग थोड़ी सी होनी चाहिए। तो यहां पे हो चुका है, बैक दिखा देता हूं और आपको इस तरीके से। अब इस तरीके से मुझे जो है अपनी हैंड स्किन उसके ऊपर भी ब्रश करना है और वही जो पहले वाला साइज था वो मैंने सेम साइज लिया है जो मैंने स्किन के लिए लिया था। तो यहाँ पे ये हो गया है कि कुछ इस तरीके से ये हमारी पिक्चर हो गई है। और इस तरीके यहाँ से डन करने के बाद आप देखें यहाँ ओवर लग रहा है, आप यहाँ से इसको एडजस्ट करें। एक सूटेबल कलर जो इसमें होगा आप सिर्फ वही करेंगे, जैसे कि स्किन कलर जहां पे मुझे सूटेबल लगे ना, ज्यादा ओवर नहीं हो, बस ज्यादा आपको एक एवरेज रखना है। तो देखें ये थोड़ा एवरेज लग रहा है तो इसको थोड़ा सा इसी लाइन की तरफ को मैं थोड़ा सा और ऊपर करके देखता हूँ। तो ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बेहतर था, तो सही है यहाँ पे ही हो चुका है। और ये अब आपको दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, काफी बेहतरीन तरीका है ये भी, अगर आप इस पे यूज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी टिप है ये भी। और इसी तरीके से टिप नंबर टू मैं आपको बता देता हूँ। टिप नंबर टू के लिए ये जो है मेरी रिसेंटली पिक्चर है और इसमें भी मेरा थोड़ा रंग जो है वो एवरेज है, यानी इससे सही कलर है, इतना हार्ड नहीं है। तो इसी तरीके से मैं इसके लिए जाऊंगा ब्यूटी में। ब्यूटी में जाने के बाद नीचे स्किन टोन है, यहां से मैं स्किन टोन को सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे मल्टी स्किन टोन्स आ चुकी हैं, आप इसमें से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। तो मैं इसमें तो सबसे हाई वाली लेके आपको दिखाऊंगा, पहले तो आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी इसमें स्किन टोन्स आ रही हैं। तो देखें ये आ रही है और इसमें मल्टी दीवी यानी काफी स्किन टोन्स हैं। तो मैंने सबसे ज्यादा हार्ड लिए, तो आप एक तरीके से तो पहले रेस कर सकते हैं, या तो आप रिजल्ट लेके यानी हार्डनेस और ऑपेसिटी और साइज करके आप वैसे डायरेक्ट अपनी जहां से आपको नहीं चाहिए वहां से रेस कर सकते हैं, या तो फिर इसके अलावा मैं आपको इससे अच्छा तरीका बता देता हूं कि आप पूरा इरेजर पूरा इरेज कर लें, ये डिटेक्ट कर लेता है आपकी स्किन को, डायरेक्टली आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये मैं पहले अभी इसी तरीके से मैंने इरेज कर लिया है, तो अब मैं ब्रश लेके करूंगा। तो ये मैंने ब्रश लिया और ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा करा मैंने यहां से और ऑपेसिटी हार्डनेस थोड़ी कम करती, ऑपेसिटी बिल्कुल हाई करती। उसी तरीके से जैसे फर्स्ट टिप में करा था वैसी सेम मेथड है, यहां पे भी मुझे वैसे ही करना है, आईज लीव करनी है और जो अपने लिप्स हैं वहां से थोड़ा सा जो उसकी नीचे की तरफ से यहाँ पे स्किन आ रही है यहाँ से लाइट करा था मैंने, देखिए यहाँ से लाइट करा है। इस तरीके से जो मैंने एड्स हैं वहां के लिए मैंने ब्लरिंग करने के लिए तो मैंने ऑपेसिटी और हार्डनेस थोड़ी सी डाउन करके यहाँ से करा है, तो काफी अच्छा यहाँ पे हो जाएगा, काफी अच्छी है सेटिंग में इसमें हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैं पूरा कर लूंगा, इसी तरीके से एड्स की तरफ करना है और ये मुझे यहाँ पे भी करना है। तो देखें इस तरीके से ये आपको पूरी स्किन पे करना है और ये मैंने सिर्फ बेड की तरफ से और हेयर की तरफ छोड़ दिया। तो काफी देखें ये स्किन टोन मैच नहीं कर रही, काफी ओवर लग रही है, लेकिन खैर मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया था, आप इसके ऊपर एक अच्छी सी स्किन टोन देखें जो आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पे डन करके देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बिफोर की थी और ये वाली जो है अब दिखाता हूँ ये आफ्टर की। तो टिप नंबर थ्री के साथ ये सबसे बेहतरीन टिप है, ये मैं अपनी हर पिक्चर में यूज करता हूँ, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर क्या है तो आपको क्या करना है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा सबसे ज्यादा यही यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पहले इफेक्ट्स में।
तो यहाँ से मैं पहले इफेक्ट्स में चला जाता हूँ, यहाँ पे इफेक्ट्स में आ जाऊंगा और इसी तरीके से लास्ट में ऑप्शन होगा कलर्स का। तो कलर्स में यहाँ पे मैं जाके देखूंगा लास्ट में ब्राइटनेस हमें ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ब्राइटनेस जो मैंने ले ली है। अब इसी तरीके से मैं इरेज करके और क्लियर ऑल कर दिए, और इसी तरीके से मैं स्किन पे करूंगा ये पूरा का पूरा अप्लाई ब्रश। जैसे मैं जितनी तो अपनी पिछली दो टिप्स में करता आया हूँ, मैं बिल्कुल वैसे ही स्किन सेलेक्ट करने के लिए हमें ये ब्रश करना पड़ता है स्किन की तरफ। तो ये सेम मेथड है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ये आपको मैं दिखा दूंगा आफ्टर कितना जबरदस्त आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा, और इससे काफी बेहतरीन टिप है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा ज्यादातर ये वाली यूज करें, और ये ज्यादा हार्ड स्किन पे थोड़ी अप्लाई नहीं होती है, उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा क्या। तो इस तरीके से स्किन सेलेक्ट हो चुकी है, तो मैं इस पे अमाउंट अपना देख सकता हूँ कि मेरी स्किन के ऊपर कौन सा अमाउंट जो है वो सूट करेगा। तो देखें इसमें काफी हाई भी और काफी लो भी है आप, यानी दोनों कर सकते हैं, लेकिन हमें जो रखनी है वो एवरेज कलर रखनी है। तो एवरेज कलर ये बेहतरीन है, और ये देखें एक नेचुरल एक रियल लुक आ रहा है इसमें, और ये काफी अच्छा है। मैं अपनी हर पिक्चर में ये वाला अप्लाई जरूर करता हूँ। तो देखें आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, और ये काफी अच्छी टिप थी, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। इसी तरीके से टिप नंबर फोर के लिए जो स्किन है ये बहुत ज्यादा हार्ड स्किन है, यानी ये तो मैंने बिल्कुल लास्ट ले ली, लेकिन इसके भी बता दूंगा आपको। एट फोटो में जाना है, एट फोटो में जाने के बाद यहाँ पे ये पिक्चर है, ये मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये स्किन टू ने बेसिकली, तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन की तरफ, यहाँ पे जो स्किन है सिर्फ उस तरफ को मैं इसको सेट करूंगा। तो यहाँ पे ये स्किन की तरफ को मैंने सेट कर लिया इस तरीके से, और यहां से मैं इरेजर लेके इसको बिल्कुल क्लियर ऑल कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब इसी तरीके से मैंने ब्रश लिया है, और ब्रश लेने के बाद साइज थोड़ा छोटा कर लिया मैंने, हार्डनेस थोड़ी छोटी और ऑपेसिटी, इसी तरीके से मैं पूरी की पूरी स्किन पे कर लूंगा ये अप्लाई, और बस मैंने आई साइड छोड़नी है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा अगर ऐसी है। वैसे तो बिल्कुल ऐसी किसी की स्किन नहीं होती है, अगर किसी की ऐसी स्किन है तो उसको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ थोड़ी सी देर का काम नहीं है, इसमें काफी मेहनत है। और ये अगर जिन, ये मैंने उनके लिए बताया है जिनके ऊपर जो ब्राइटनेस वाले जो पिछली मैंने तीन टिप्स बताई हैं, वो अगर उसके ऊपर यानी वो उनको एक ब्राइटनेस दे दें, लेकिन वो आपके कलर को जो है वो थोड़ा सा भी नहीं बढ़ाए। एक होता है कि आपकी स्किन ज्यादा हार्ड है, लेकिन वो जो आप उसके ऊपर ही आप अप्लाई करते हैं तो वो आपकी ब्राइटनेस लाइटिंग आ जाती है, लेकिन वो स्किन के ऊपर कोई अच्छी नहीं लगती है, वो ओवर लगती है कि अलग सी लगता है कि आपने वो करा है। तो वो उनके लिए होता है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क होती है, तो ये मैंने उसके लिए बताया कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। वैसे तो अल्लाह का दिया हुआ ये स्किन सबसे बेहतरीन होती है, उसी के ऊपर हमें शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन ये फिर ये सिर्फ मैं आपको फिर भी सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको भी अगर आप पिक्सआर्ट यूज करते हैं तो आपको भी ऐसे ही मालूम होनी चाहिए। ये मैंने खुद टिप निकाली है, ये मैंने कहीं से नेट से देखी हुई, शायद आपको नेट पे भी ना मिले। तो इस तरीके से मैं इसको काफी इस तरीके से आईब्रोज मुझे इसमें बिल्कुल भी दिखी थी, इतना ज्यादा डार्क है कि मुझे इनकी आईब्रोज भी नहीं दिख रही थी, तो इनकी आईब्रोज मैं खुद ही बनाऊंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो ये देखें ये इस तरीके से हुआ हुआ, ये देखें ये बिल्कुल ऐसी स्किन थी इनकी। तो इस तरीके से मैं अप करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कुछ भी हम इसमें कैसे भी सेटलमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आईब्रोज देखने के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ कि मुझे आईब्रोज इनकी समझ में आ जाए कैसी है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे रखे, अब मैं करता हूँ कि मैं पहले इसको ब्रश कर देता हूँ पूरी स्किन के ऊपर, यानी सॉरी स्किन बोल रहा हूँ मैं, आईब्रोज के ऊपर यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। अब इसी तरीके से मैं आईब्रोज के खुद शेड बनाता हूँ, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको कोशिश करता हूँ कि एक नेचुरल लुक दे। तो इस तरीके से जो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि जहाँ पे मुझे कर देना चाहिए था वहां पे मैं कर देता हूँ। तो देखें इस तरीके से, और ये मैं जहाँ पे शेड्स होने चाहिए जो डार्किंग होते हैं हमारे एरिया जो जिस तरीके से जहाँ पे शेडो होता है हमारे, तो उस तरीके से मैं इसको थोड़ा शेडो देने के लिए कर रहा हूँ। तो ये आईब्रोज जो यहाँ पे थोड़ी सी और मैं इसको तो अच्छा एनहेंसमेंट देने के लिए कर लेता हूँ। तो इस तरीके से देखें, तो ये लाइटली मैंने दिया और देखें काफी थोड़ा बेहतर हो चुका है, ये देखें। तो इस तरीके से ये देखें काफी अच्छा लुक दे रहा है, फिर भी पहले से तो बेहतर है, लेकिन जो नेचुरल है वो नेचुरल ही है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होगा सारा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं दे देता हूँ ब्रश की करके यहाँ से डार्क इन एरिया से थोड़ा सा मैं शो कराने के लिए, क्योंकि बिल्कुल ही लाइट हो चुका है। और यहां से भी मैं इसको थोड़ा सा देने के लिए इस तरीके से, तो ये देखें काफी अच्छी हो चुकी है पिक्चर, पहले से काफी अच्छी इनका कलर हो चुका है, लेकिन इनके ऊपर वाला कलर सूट नहीं करता जो मैं अगर जो पिछली तीन टिपें मैंने करी थी, तो ये वाली टिप भी यहीं तक थी। तीनों टिप्स हो चुकी है कंप्लीट, और ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इससे थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, और आपको समझ में आया होगा कि इसमें आप कौन कौन से तरीकों से अपनी स्किन के कलर को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको आगे वाली आने वाली वीडियोस में आपको क्लोथ चेंजिंग और जो है कंप्लीट क्लोथ चेंजिंग और हेयर चेंजिंग जो है इनके ऊपर और बैकग्राउंड चेंजिंग के ऊपर भी मैं आज वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलें इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।